हे फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी स्टूडेंट तो दिवाली कैसे मनाते हैं उनका तो अलग ही सेपरेट थिंग रहता है, बट द थिंग इज हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो हम दिवाली जो मेजर रीजंस है, सबसे जिसकी वजह से हमें हम हर्षोत्सव प्रस्तुत करते हैं, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट रीजन। पहला जो कारण है कि प्रत्येक वर्ष हम दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन श्री राम, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो सारे लोग जो है अपने घर की साफ सफाई करके, और उस दिन उन्होंने पूरे अयोध्या में दिए जले थे, दीप प्रज्वलित हुए थे, तो इसलिए दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं और एक तरीके से हम अपना हर्षोत्सव प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा पहला कारण हो गया कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकंड वन, सेकंड रीजन क्या है हम दिवाली क्यों मनाते हैं। हम दिवाली इसलिए मनाते हैं, तो क्या हुआ था, दिवाली के एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर का वध किया था। वो बहुत ही अत्याचारी राक्षस था, तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। उस राक्षस का वध करने के अगले ही दिन पूरी जगह दिए जलाए गए, और इसलिए इस वजह से भी दीपावली मनाई जाती है। उसके अलावा सिर्फ एक और दो कारण नहीं है, उसके अलावा भी कई कारण हैं। जैसे क्या हुआ था, तीसरा कारण जो है, इस दिन क्या हुआ था, समुद्र मंथन के पश्चात जो हमारी देवी है माँ लक्ष्मी देवी एवं जो धन्वंतरी देवी है, वो इसे दिन प्रकट हुए थे। तो समुद्र मंथन के पश्चात माँ लक्ष्मी देवी और धन्वंतरी देवी प्रकट हुए थे, इस वजह से भी हम दिवाली मनाते हैं। उसके अलावा और भी रीजन है, तो ये जो है, ये तीन मेजर रीजन है कि भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके। उसके अलावा श्री कृष्ण ने दिवाली के एक दिन पहले नरकासुर राक्षस का वध किया था, और उसके अगले दिन हर्षोत्सव प्रस्तुत किया था सबने और दिए जलाए थे। उसके अलावा जो है, समुद्र मंथन के पश्चात माँ लक्ष्मी देवी एवं धन्वंतरी देवी जो है प्रकट हुए थे। तो ये तो है मेन रीजन। उसके अलावा भी यह भी कहा जाता है कि जो पांडव को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, तो इस दिन दीपावली के दिन वो पूर्ण हुआ था, इस वजह से भी दीपावली मनाई जाती है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सभी राक्षसों का वध करने के बाद भी जब माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जब माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, तो क्या हुआ था कि मात्र भगवान शिव के स्पर्श से ही माँ काली का क्रोध शांत हुआ, और उनका रूप माँ लक्ष्मी जो बहुत ही शांति का प्रतीक है, मतलब माँ काली का रुद्र रूप जो है वो शांत होकर माँ लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित हो गया था। माँ लक्ष्मी का जो शांत रूप है उसमें आ गया था, इस वजह बहुत सारी जगह ये माना जाता है। इफ यू पीपल बिलोंग टू द जैन कम्युनिटी लाइक मी, तो अगर आपको पता हो तो इसी दिन भगवान महावीर स्वामी का क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। तो ये भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी माना जाता है दीपावली के, तो ऐसा कहा जाता है पटाखे एंड ऑल। तो दीज आर द मेजर रीजंस दैट व्हाई वी सेलिब्रेट एवरी ईयर दीपावली। ऑलराइट, सो विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस हैप्पी दीपावली।